कहाँ तक हो गया लास्ट क्लास में? अच्छा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया? लॉरेंस फोर्स हो गया था लास्ट क्लास में अपना। अब लिखो बायो सावर्ट लो, टी साइलेंट है। बायो सावर्ट लो, बायो सावर्ट लो ने क्या कहा? बावर्ट, बायो सावर्ट लो ने देखो, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ ने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास, किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया किसने? बायो सावर्ट लॉ ने सबसे पहले किसने बताया? बायो सावर्ट ने। ठीक है, अब इसने कहा कि कैसा वायर क्या, तो इसे बताया गया कि एक मान लो कोई ऐसा भी वायर हो अपने पास, जैसे मान लो वायर स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। मान लो वायर मेरे पास कर्व है, ठीक है, इस कर्व वायर के लिए अपन ने इस आर डिस्टेंस पे और ये पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये क्या वायर? कर्व वायर है। इस वायर कर्व वायर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो सावर्ट ने क्या कहा कि सबसे पहले आप लेट अज्यूम ए स्मॉल एलिमेंट। सबसे पहले कंडीशन थी इसकी, है बायो सावर्ट की, ये कंडीशन है कि आपको सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा? लेट अज्यूम ए स्मॉल एलिमेंट। अब मैंने स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया डी एल, इसमें करंट फ्लो रही है सपोज आई, इसमें करंट फ्लो रही है आई, और एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? डी एल। अब बायो सावर्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट आता है कि ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है, इसमें ये जो करंट एलिमेंट है, अब देखो ये छोटा सा एलिमेंट है, इसमें करंट भी जा रही है आई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे पहले अपन स्मॉल एलिमेंट के निकालेंगे। स्मॉल एलिमेंट कितना? डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा, ठीक है। तो डी बी, पी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सबसे पहले। सेकंड कहा उसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। थर्ड उसने कहा कि जो ये स्मॉल एलिमेंट लिया है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन कर दो। क्या ड्रॉन कर दो? टेंजेंट, ठीक है। इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में एंगल मान लो थीटा है, कितना एंगल है? थीटा। तो डी बी प्रपोर्शनल डी एल, फोर्थ जो स्मॉल एलिमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। फोर्थ कहा उसने डी बी प्रपोर्शनल साइन एंगल ऑफ, एंगल किस किस के बीच में? टेंजेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट और बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल थीटा किस किस के बीच में है? टेंजेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। और
और किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, ठीक है। ये थीटा टेंजेंट, ये स्मॉल एलिमेंट का टेंजेंट और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। ये चार लॉ दिए, अभी तुम्हें लिखना है। और तुम लिखोगे कैसे, इसको पूरा स्टेटमेंट बना के लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन दैट वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्मॉल एलिमेंट और साइन एंगल ऑफ दिस, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, डी बी प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सब इकट्ठा कर दिया अपन ने। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे करते हैं, तो DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन पाई, 4 पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट इज, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ए बी एल आई टी बाई, सॉरी परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको अपने कहा था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 10^-7, ठीक है। अब जब इनको आगे सॉल्व किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर दिया और R का डिवाइड कर दिया, ठीक है। R का मल्टीप्लाई डिवाइड करने फायदा क्या हुआ था, DB is equals to mu not upon 4 pi I dl cross R, क्योंकि करंट के ऊपर तो वेक्टर लगा नहीं सकता क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन ये R कहाँ रह गया, R क्यूब हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हो गया किसका, बायो सावर्ट लॉ का, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हो गया बायो सावर्ट लॉ का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, जब दोबारा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको अच्छे से लिखना है बोर्ड में आने के, इसमें से क्वेश्चन आता है हर साल इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें से क्वेश्चन आएगा। बायो सावर्ट लॉ ने क्या बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए, किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताई इसने बायो सावर्ट लॉ ने। सबसे पहले कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एक वायर ले लो, वायर कैसा भी हो सकता है, सीधा स्ट्रेट टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, तो डीबी प्रोपोर्शनल आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एलिमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन सब इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दिस दिस एंड दिस, ये ध्यान रखना वेक्टर फॉर्मूला। आई इसके लिए क्वांटिटी, इसलिए मैंने आर का मल्टीप्लाई किया, आर का डिवाइड किया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, अभी लिखा तो दिया बायो सावर्ट लॉ, लिखा नहीं है ना, इससे पहले लिखो और स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारे 10th क्लास में था ओनली नॉलेज के लिए। सबसे पहले किसने बताया था, किसी वायर के पास में अगर करंट जनरेट हो रही है, किसी वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो वो किसने बताया था, ओरेस्टेट ने, किसने बताया था, ओरेस्टेट, ओ आर ई एस ओरेस्टेट, ओरेस्टेट ने बताया था, ठीक है। उससे पहले बायो सावर्ट लॉ से पहले लिखो ओरेस्टेट एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेट ने क्या कहा था, ये बोल इतना ही कहा था उसने, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा, मैग्नीट्यूड के बारे में तो कौन कहेगा, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। वो लिखो कि ओरेस्टेट ने क्या कहा था, किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास पास अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, सबसे पहले ओरेस्टेट ने कहा था, और बायो सावर्ट ने सबसे पहले इसको क्या दिया था, मैग्नीट्यूड दिया था, क्या दिया था, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले ओरेस्टेट लिखोगे एक लाइन बस, उसके बाद ही फिर ये लिखोगे, ठीक है। इसमें भी देखो लिखने का तरीका, यहाँ क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, लिखोगे पूरा स्टेटमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये पूरा देखूंगा मैं, DB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू DL, DB डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, sin को क्या लिखते हैं अपन, sin एंगल ऑफ थीटा, थीटा किस किस के बीच में, टेंजेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, लिखो इसको पूरा, लिखना सही से लिखना, जब सबका हो जाए तो सब मैसेज कर दो फटाफट।
अब सही है। लक्ष्य देख यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड कर दिया भाई, या आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड किया इसलिए आर क्यूब हो गया था। अब लिखो नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखो ये मेरे पास एक कॉइल, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है। कौन सी कॉइल है? ये सर्कुलर कॉइल, ठीक है। इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये इसका सेंटर, सेंटर से इस एक्स डिस्टेंस देते हैं, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मेरे को ये पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखो ध्यान समझ लेना, बहुत बड़ी डेरिवेशन है। वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, एट पॉइंट पी। वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कितनी डिस्टेंस पे है, विच इज एट एक्स डिस्टेंस, दिख रहा है ना सबको, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सॉरी सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, आर। चलो दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, यहां पे अपन को चाहिए ये कॉइल है, ठीक है। अब बायो सावर्ट लॉ लगाना है तो आपको भी स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे दो स्मॉल एलिमेंट लिए। देखो एक तो ये स्मॉल एलिमेंट लिया और एक ये स्मॉल एलिमेंट लिया, ये डीएल लेंथ का और ये भी कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ, ठीक है। दो स्मॉल एलिमेंट लिए। अब इन स्मॉल एलिमेंट से अपन ने इस स्मॉल एलिमेंट से, ठीक है, अब ये स्मॉल एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, आर डिस्टेंस पर, क्योंकि अपन को जो चाहिए स्मॉल एलिमेंट से लेंथ चाहिए थी बायो सावर्ट में, ठीक है। यहां पे ये लेंथ चाहिए अपन को, ठीक है, और ये लेंथ कितनी मान ली अपन ने, आर। ये लेंथ कितनी अज्यूम कर ली अपन ने, ठीक है। कोई समस्या इसमें, क्योंकि
अपन ने जो वायर लिया था उसमें स्मॉल एलिमेंट से लेंथ ले रहे थे अपन, तो वो लेंथ कितनी यहाँ पे कितनी मान ली अपन ने, स्मॉल ठीक है, लेट टू स्मॉल एलिमेंट ये एम पॉइंट मान लो, ये एन पॉइंट मान लो एट एम एंड एन, इस एम पॉइंट पे और इस एन पॉइंट पे अपन क्या ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। अब ये जो पॉइंट पी है इस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, इससे परपेंडिकुलर इधर ठीक है, और इसका इधर ऐसे ठीक है। स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का जैसे मान लो अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, अभी कोयल का 3 डायमेंशन में है ऐसे कैसे है, 3 डायमेंशन नीचे वाला पार्ट है ऐसे, उसमें करंट ऐसे जा रही है ठीक है, करंट क्या जा रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है। ध्यान रखना ये वाली मैग्नेटिक फील्ड डीबी है और ये भी डीबी है, ये इसकी नहीं है, ये इसकी नहीं है, ये इसकी है और ये इसकी ठीक है, ये हो गए छोटे छोटे एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ठीक है। अब मान लिया कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा, सही है ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ये छोटी सी, इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये भी स्मॉल ठीक है, और वो तो है सर्कुलर कोयल, रेडियस आर है, करंट आई है, इसमें क्या समझाऊं, और डायग्राम पूरा नहीं, क्या समझ में नहीं आया बताओ मेरे को, कि डीबी नहीं आया कि डीएल नहीं आया क्या, नहीं आया, छोटा सा एलिमेंट है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा होगा, इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा ठीक है, और इसके लिए ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे तुम इस वायर के लिए देख लेना चाहे सर्कुलर के लिए देख लेना, हमेशा परपेंडिकुलर अंदर था वो, इसमें परपेंडिकुलर बाहर था, तो यहां पर भी इस वायर से इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में निशा, बोल देना अभी तो नहीं आया तो मैं पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आया क्या पता, अच्छा चलो बढ़िया आ गया तो अच्छी बात है, नहीं नहीं बनेगा सर्कुलर पाथ, क्यों बनेगा भाई सर्कुलर पाथ क्यों बनेगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सर्कुलर पाथ कहां से आएगा, सर्कुलर पाथ तो ये है सर्कल है, ये तो सर्कुलर है, ये तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी वो है, कि कितनी कितनी होगी किधर होगी, तो वो कितनी तो डीबी है, डायरेक्शन इधर होगी। अब देखो कई बुक्स में एंगल कुछ अलग अलग तरीके से ले रखे हैं, देखो मैंने यहाँ थीटा थीटा लेता हूँ, कई बुक्स में ये वाले एंगल ले रखे हैं, तो एक ही चीज है घबराना मत ठीक है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा ठीक है, और ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देखो ये मत कर देना कि सर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, मैंने पहले कह दी ये लाइन इसकी नहीं है तो टेढ़ी बनाई है मैंने, ये लाइन इसकी नहीं है इसलिए ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहां तक आप डायग्राम में, चलो भैया आगे देखते हैं। अब फ्रॉम कौन से लॉ से बायो सावर्ट लॉ,
कौन से लॉ से? बायो सावर्ट लॉ से। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा किस किस के बीच में था? स्मॉल एलिमेंट और करंट के बीच में, ऐसे था ना? ये जो थीटा था स्मॉल एलिमेंट और करंट के बीच में था। अभी स्मॉल एलिमेंट ये रहा, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इमेजिन करना, देखो स्मॉल एलिमेंट ऐसे लिया है मैंने 3 डायमेंशन में, ऐसे यहाँ पर, तो सर्कुलर गोल को तुम ऐसे मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो डीएल तो हो गया ऐसे, टेंजेंट ड्रॉ किया अपन ने 3 डायमेंशन में, ऐसे मान लो चाहे कैसे मान लो, ठीक है। अब करंट कह जाएगी यहां से ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसे मान लो कैसे मान लो। अब करंट ऊपर जाएगी और डीएल ऐसे है, थीटा कितना हो गया 90, थीटा कितना होगा यहाँ पे 90। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन 91 हो गया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम चाहो तो अलग तरीके से दिखा सकता हूँ तुम्हें थीटा को। देखो जब मैंने लिखा था यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में, एक फॉर्म लिखा था वेक्टर फॉर्म, उस वेक्टर फॉर्म में थीटा किस किस के बीच में था? डीएल क्रॉस आर था। डीएल क्रॉस क्या था? आर। डीएल क्रॉस आर था, ठीक है। अब वहां पे डीएल, अब देखो यहाँ पे डीएल ऐसे है, ठीक है, आर कैसे है? ऐसे ऐसे ही ना, ठीक है। 3 डायमेंशन में है ये, अगर तुम आर ये वाले कंसिडर करते हो तो 3 डायमेंशन में है ये, तो एंगल कितना बनेगा अगेन 90, क्योंकि ये कॉइल ऐसे है आर ऐसे जा रहा है, कॉइल ऐसे है और आर ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है। बोर्ड क्लियर है सबका? और किसका क्लियर है? हाँ वो तो मेरा हाथ आता होता तब बीच बीच में ब्लर होता है, तो जिनका क्लियर है उनका तो क्या करूँ बताओ। अब बताओ, चलो अब देख लो। अब देखो ये हो गया, ठीक है, डीबी। अब मेरे को इस पूरे के लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, इस डीएल के कॉम्प इस डीबी मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स किए, इसे कॉम्पोनेंट्स किए, डीबी के कॉम्पोनेंट्स करे। अब कॉम्पोनेंट्स करूंगा मैं, तो इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा इधर? डीबी कॉस थीटा। इसका क्या होगा? डीबी साइन थीटा। इसका अगेन कितना होगा? डीबी कॉस थीटा, और इसका कितना होगा? डीबी साइन थीटा, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट। कैंसिल आउट क्यों होंगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखो ये दो कंपोनेंट है केवल इस दो के, अपन को तो पूरा निकालना है और सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी डीबी कॉस थीटा, क्योंकि सबके डीबी कॉस थीटा छोटे छोटे एलिमेंट सबके डीबी कॉस थीटा बहुत सारे आएंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने का दूसरा नाम क्या है इंटीग्रेशन, ऐड करने का दूसरा नाम क्या है इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा। अब डीबी तो निकाल लिया मैंने, लेकिन मैं कॉस थीटा भी निकालना है, इक्वेशन नंबर टू, डीबी तो ये रहा, कॉस थीटा निकालते हैं, ये पी है ये एम और ये सेंटर पॉइंट है सी, ट्राइंगल कौन सा लेंगे अपन, ये वाला ट्राइंगल ले लिया अपन ने, तो ये कॉस थीटा निकालना है आपको, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, और ये 90, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये सेंटर है और ये थीटा, ठीक है, सेंटर से निकाला था ना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, ट्राइंगल है, अब इसमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, देखो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, बचा कौन बेस, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है कैपिटल आर, हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल आर, सही है, बेस है आपका, ठीक है, ये आर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर थर्ड, अब पुट द वैल्यूज, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू, किसमें पुट करना है, टू में पुट करते हैं अपन, तो बी नेट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीबी, डीबी कितना म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई r² कॉस थीटा कितना r अपॉन r, ठीक है, तो b net इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल r अपॉन 4 पाई r³, ठीक है, अब l के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो सब कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, तो b net कितना हो गया म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई r³ इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है, अभी जो इंटीग्रेशन जो डीएल लिखा मैंने, छोटे छोटे एलिमेंट सबको ऐड करना है, छोटे एलिमेंट सबको ऐड करना है तो कितना जाएगा 2 पाई r, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई r² अपॉन 4 पाई r³, 2 पाई से 2 पाई ये बच गया टू, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, तो यहां से कितना बच गया, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2 r³, क्या हुआ नीचे, अरे अब देखो स्मॉल आर जो है वो ये है, इस स्मॉल आर से मतलब नहीं है क्योंकि अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स का आंसर आना चाहिए, तो यहां से देखो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं निकालूं तो r² इज इक्वल टू x² + R², तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2 x² + R² पावर 3/2 लिख सकता हूं क्या, ले सकता हूं क्या इसको ऐसे, अरे अगर मान लो इफ मेरे पास कितनी टर्न्स हो एन टर्न्स हो, कितनी टर्न्स हो एन टर्न्स, तो बी नेट कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई r² अपॉन 2 x² + R² की पावर 3/2, सही है क्या, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकाली तुमने, ये किसके लिए निकाली है, सर्कुलर कॉइल के लिए, ये चीज समझ में आ गई कि ये कहां से आई है, ये समझाऊं इसको,
नहीं ये तो बोल देना अभी। देखो कैसे आई, इधर देख लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है क्या? बोलो सही है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, तो आर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, सही है? होगा 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, आर क्यूब, दोनों तरफ क्यूब ले लो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू पुट कर दी बस खत्म। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए। अभी लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें? उतार लो इसको। अब आराम से उतार लो इसको। गुड मॉर्निंग 12th साइंस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नो हिंदी क्लास टुडे। हाँ
ओके गूगल, व्हिच डे ऑब्जर्व एट 12 जनवरी? आगे स्क्रीनशॉट अब तो तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है वो। अब किसी एक के भी क्लियर आ रहा है इसका मतलब है कि नेटवर्क तो सही है मेरा, तो तुम्हारा पता नहीं। स्टार्ट लिया के सबने अब तो? वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा? इन सब की क्यों आ रहा है? तुम्हारा नेटवर्क अगर सही है तो तुम्हारी वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा? क्लियर क्यों नहीं आ रहा? ब्लर क्यों आ रहा है? अरे चलो ठीक है, ओके, हो गया सबका। ओके बाय।